स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। मैं इस ये टॉपिक के तुरंत बाद एक एग्जांपल भी वीडियो दिखाने वाला हूं आपको, उसमें आपको काफी सारे समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, आई थिंक इट विल मेक लॉट ऑफ ब्रिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर यू। तो स्टैंडर्डाइजेशन जब भी हम लोग बात करते हैं तब ये प्लान डू चेक एक्ट साइकिल आ जाता है, जिसको हम इंप्रूवमेंट साइकिल कहते हैं। तो ये एक इंप्रूवमेंट साइकिल है, और एक है स्टैंडर्डाइज डू चेक एक्ट, मतलब प्लान की जगह में स्टैंडर्डाइज डू चेक एक्ट, ये दोनों ही साइकिल यूज होता है। जब आपके प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम दिखाया गया तब आप वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान बनाते हो, और वो प्लान के हिसाब से आप काम करते हो डू स्टेज में। फिर आप प्लान के हिसाब से काम करने के बाद जो नतीजा पे पहुंचे हो वो चेक करके आप समझते हो कि आपका प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो मीट हुआ है कि नहीं। फिर आप एक्ट स्टेज में आते हो कि कुछ बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है क्या, खूब अधूरा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अभी कैसे ठीक करेंगे, वो एक्ट स्टेज में डिसीशन होता है। ये एक्ट स्टेज बहुत जरूरी होता है, इसमें ट्रेनिंग आउट जरूरी है क्या नहीं, मशीनरी का कुछ इंप्रूवमेंट है क्या नहीं, ये दूसरे जगह में इंप्लीमेंट करना है क्या नहीं, बहुत सारे डिसीशन ये एक्ट स्टेज में होता है जो हम लोग ज्यादातर नहीं करते हैं। हम लोग प्लान डू चेक उसके बाद सीधा स्टैंडर्डाइज करके क्लोज कर देते हैं। लेकिन और एक होता है, वो है पीडीसीए के बाद, इंप्रूवमेंट साइकिल के बाद। जब आपका इंप्रूवमेंट का ऑब्जेक्टिव मीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैन वी नाउ कम आउट टू विद द न्यू स्टैंडर्ड। तो न्यू स्टैंडर्ड को हम लोग डेवलप करते हैं, न्यू स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और महीना में दो महीने में हम लोग चेक करते हैं वो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में, हमारे जो ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में हम लोग स्टैंडर्ड बनाया है वो हम लोग मीट कर रहे हैं क्या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फिर एक्ट स्टेज में आके निकालते हैं कुछ गैप है क्या नहीं, वो गैप के अगेंस्ट में फिर हम लोग स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू स्टैंडर्ड व्हाट, जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर में। व्हेन मैनपावर इक्विपमेंट मटेरियल्स आर यूज्ड इन ए प्रीडिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैनर विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली utilizing defined resources, this is called standard work, which may change if the technology and resources etc. change. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब तक ना हम लोग manpower का standardization करते हैं, उनका training के बारे में standardization करते हैं, उनका skill को standardize करते हैं, उनका काम करने का तरीका को standardize करते हैं, वो जो equipment के साथ काम करता है वो equipment को हम लोग जब तक standardize नहीं करते हैं, और मेटेरियल जो यूज करते हैं दैट इज इनकमिंग मेटेरियल प्रीडिफाइंड एंड इन ए स्टैंडर्डाइज मैनर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन कंसिस्टेंट, यानी कि प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, इसको हम लोग कंसिस्टेंटली मिलने के लिए ये सारे स्टैंडर्डाइजेशन जब करते हैं, और उसको यूज जब करते हैं करने के टाइम में जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड वर्क कह सकते हैं। और ये चेंज होगा कब? अगर ये मैन मशीन मटेरियल मेथड में चेंज होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, वो स्टैंडर्ड वर्क भी चेंज हो जाएगा। सो देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स टू डिफाइन स्टैंडर्ड वर्क, डिफाइंड रिसोर्सेस, स्टैंडर्ड एंड अनअवॉइडेबल लॉसेस, स्टैंडर्ड लॉस अनअवॉइडेबल लॉस। तो स्टैंडर्ड लॉस के अंदर क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल योर टी टाइम, इन सम केसेस इट इज स्टैंडर्ड लॉस। अनअवॉइडेबल लॉस क्या है? फॉर एग्जाम्पल द चेंज ओवर टाइम इज ए आपका अनअवॉइडेबल लॉस, इंस्पेक्शन कुड बी अनअवॉइडेबल लॉस। डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वर्क प्रोसेसेस, सीक्वेंस क्या है वर्क प्रोसेस का, साइकिल टाइम, थ्रूपुट टाइम। वंस ए स्टैंडर्ड वर्क इज सेट, परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव, दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें हम कोशिश किए हैं। येलो इंडिकेट कर रहा है इधर ट्रांसपोर्टेशन को, ग्रीन इंडिकेट कर रहा है आपका असेंबली ऑपरेशन को, ब्लू इंडिकेट कर रहा है इधर इंस्पेक्शन एक्टिविटी को, ठीक है। सो मानिए कि हमारा 5 ऑपरेशन है। अब किसी को अगर याद है ये सेम एग्जाम्पल जो मैंने यूज किया था पहले
हमारा थ्रूपुट टाइम डिटरमिन करने के टाइम में, और उसके पहले भी जब मैं 5 प्रोसेस का साइकिल टाइम दिखा रहे थे आपको, ए बी सी डी ई, 7 मिनट 7 मिनट, 10 मिनट 8 मिनट 8 मिनट। तो इधर मैं वर्क स्टेशन इधर रखा है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में टाइम रखा है ए बी सी डी ई, और हमारा ये सारे एक्टिविटीज आपका इधर है। अभी मानिए कि मैं ये सारी जो एक्टिविटी है आपका, मैं फिर दोबारा रखता हूं, ये सारी जो एक्टिविटी आपका है ये लोग के साथ, ए वर्क स्टेशन में आप देख रहे हो कि ये मेरा टोटल टाइम है 7 मिनट, बी एक्टिविटी सेम एज ए एक्टिविटी 7 मिनट, सी का जो सी वर्क स्टेशन का जो एक्टिविटी है वो भी कुछ इंस्पेक्शन है ब्लू, कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ आपका इनहेरेंट असेंबली ऑपरेशन है, ठीक है, और वो 10 मिनट का है, और डी में 8 मिनट है, ई में भी 8 मिनट है, यानी कि सभी वर्क स्टेशन में हम लोग देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन है, इंस्पेक्शन है, असेंबली ऑपरेशन। तो ये काम करने के टाइम हम लोग थ्रूपुट टाइम स्टडी अगर करते हैं तो हम लोग ये सारे टाइम एलिमेंट वाइज हमें पता चलेगा किसके लिए कितना टाइम लग रहा है। मानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वी से दैट दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ अबाउट 7 मिनट्स, से मानिए कि दिस इज अबाउट 4.5 मिनट्स, दिस इज अबाउट 3 मिनट्स, और 4 मिनट्स एंड 3 मिनट्स, तो वी आर हैविंग टोटली अबाउट 7 मिनट्स हियर। नाउ वी ट्राई टू कम अप विथ ए मेथोडोलॉजी बाई विच ऑल द वर्क सेल्स आर बींग ब्रॉट टूगेदर, सो दे आर नॉट फार फ्रॉम, वो दूरी में नहीं है, अभी नजदीक आ गए, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरी तरह एलिमिनेट हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह एलिमिनेट हो गया तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये टाइम अगर एलिमिनेट हो गया तो हमारा जो वर्क स्टेशन का जो टाइम है ये काफी कम हो गया। तो ए बी सी डी ई काफी कम हो गया टाइम। काफी कम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी देखना चाहेंगे कि कितना टाइम अभी लग रहा है। तो कितना टाइम हमें लग रहा है, सो दिस इज द टाइम दैट इज नाउ नीडेड इन द रिस्पेक्टिव वर्क स्टेशन। तो वो वर्क स्टेशन में टाइम जब लग रहा है तो उसको हम अभी फर्दर एनालिसिस करके देखेंगे कि इसमें इंस्पेक्शन टाइम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव केप्ट एक इंस्पेक्शन हम लोग सभी वर्क स्टेशन में रखा है, सेल्फ इंस्पेक्शन, और बाकी जो इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन है दैट समहाउ वी हैव बीन एबल टू एलिमिनेट। तो हमारा जितना टाइम अभी रह गया है ए बी सी डी ई दैट इज मच रिड्यूस्ड, एंड यू कैन सी दैट अभी भी हमारा वर्क स्टेशन के आपस में काफी टाइम का अंतर है, डिफरेंसेस है, लेकिन अपना जो टाइम है साइकिल टाइम वो 7 मिनट से काफी कम हो गया, इधर 10 मिनट से कम हो गया, 8 मिनट से कम हो गया, इधर भी 8 मिनट से कम हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेज कम्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए कैन वी डू द सेम एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ 5 वर्क स्टेशन नाउ इन 3 वर्क स्टेशन। सो डी और ई को हम लोग एलिमिनेट किया है और जो एक्टिविटी बचा हुआ था दैट वी हैव अभी री एलोकेट किया है ए बी सी 3 वर्क स्टेशन के अंदर, और आप देखोगे अभी ये तीनों वर्क स्टेशन में अभी लाइन बैलेंस्ड है, वर्क स्टेशन का जो टाइमिंग है वो आपस में बैलेंस्ड है, और वो बैलेंस टाइम अगर थ्रूपुट टाइम वो बैलेंस टाइम अगर टैक टाइम के अंदर हो रहा है, कस्टमर का टैक टाइम के अंदर हो रहा है, देन वी विल से दैट साइकिल टाइम इज लेस देन द टैक टाइम, और वो केस में हम लोग कहेंगे कि यस द कंपनी इज इन ए पोजिशन टू मीट द डिमांड पुल ऑफ द कस्टमर। सो मानी कि अभी हमारा साइकिल टाइम है 9 मिनट का, हमारा टैक टाइम है टी टी स्टैंड फॉर टैक टाइम वो 10 मिनट का है, और मानी कि आइंदा इन फ्यूचर कस्टमर का जो टैक टाइम है वो इनिशियली द टैक टाइम इज 14 मिनट्स, एंड मानी कि इन फ्यूचर कस्टमर ने डिमांड बढ़ा दिया और उस हिसाब से कस्टमर का टैक टाइम कम होके 10 मिनट में आ गया, तो इवन देन आई विल से दैट वी आर इन ए पोजिशन टू मीट the demand pool of the customer. So this organization is now much more cost effective, क्योंकि 5 operator के जगह में अभी 3 work operators से काम हो रहा है, उनका जो throughput time है सिर्फ operation time को भी लिया जाता है, तो पहले जितना था 7 14 plus 10 24 32 88 40 minutes, वो अभी 7 that has come down to 9 × 3 27 minutes. So there is a decrease in the total throughput time. There is also decrease in terms of the number of workstation.
सो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी पर मैन पावर हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड. सो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आप कर सकते हो थ्रू थ्रूपुट टाइम एनालिसिस. और उसके बाद आप स्टैंडर्डाइज्ड डू चेक एक्ट कर सकते हो. पहले पीडीसीए से शुरू किया इंप्रूवमेंट के लिए, अभी स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, अभी आप स्टैंडर्डाइज डू चेक एक्ट कर सकते. व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन? कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन और व्हाट सेल डिजाइन. तो ये जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि लास्ट में जो एग्जाम्पल में दिखाया गया था आपको, वो था व्हाट सेल में फाइनली एक कॉन्वेंशनल बैच टाइप प्रोडक्शन से इन लोग कैसे पहले वर्क एलिमेंट को एनालाइज किया. एनालाइज करने के बाद उनके साथ जुड़े हुए जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई किया. फिर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को उन लोग कुछ केस में एलिमिनेट किया, कुछ केस में उसको मॉडिफाई किया. करने के बाद उन लोग नंबर ऑफ वर्कस्टेशन जो है वो फाइनली 5 से सिर्फ 2 में लाया. और 2 में लाने के बाद उन लोग टैक टाइम के अंदर वो सारे टाइम को कंफर्टेबली उसके अंदर लाया. और फिर दे वर इन ए पोजिशन टू मीट द कस्टमर डिमांड. तो उन लोग जो जो काम किया उसको अगर आप कंसोलिडेट करें तो कुछ इस प्रकार रहेगा. इनिशियल एनालिसिस ऑफ वर्क इंक्लूडिंग बैच प्रोसेसेस, तो जिसके अंदर ऑपरेशन टाइम, टेस्टिंग टाइम, ये सब और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा आपको. तो ये आप एनालिसिस कैसे करेंगे इसके ऊपर ओमकार से सुना आपने कि कैसे एक साइंटिफिक रैशनल तरीका से आप इसको स्टडी कर सकते हो. और लीन से आपको ये भी पता चला कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होता है और उसको कैसे हम लोग एनालिटिकल चार्ट में, शॉप में जब हम लोग स्टडी करते हैं तब एनालिटिकल चार्ट में हम लोग कैसे बाजू में हम लोग उसका किस टाइप ऑफ वेस्ट चल रहा है उसको हम नोट करते हैं. सो जेनरेशन ऑफ करंट अरेंजमेंट डॉक्यूमेंट, ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये हम लोग वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में भी देखेंगे. उसको कहता है करंट वैल्यू स्ट्रीम, करंट स्टेट कहता है. करंट स्टेट तो कहता है, एक है करंट स्टेट और एक को कहते हैं फ्यूचर स्टेट. तो इवन थ्रूपुट टाइम स्टडी ऑल्सो एज ए करंट स्टेट ऑफ अरेंजमेंट मैपिंग. मैंने जो एग्जाम्पल दिखाया था उसमें भी करंट स्टेट मैपिंग आपने देखा होंगे. और इधर भी यूट्यूब में जो आप एक्सरसाइज देखे हैं उसमें भी करंट स्टेट का मैपिंग आपने देखा. नंबर 4, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं. ईच इंडिविजुअल का जो टास्क है और एंड टाइम है उसको डिटरमिन करते हैं हम लोग. और रियल टाइम मेजरमेंट करना चाहिए. जैसे ओंकार ने बार बार बोल रहे थे, बहुत सही पॉइंट है कि हाँ, मैं भी देखा है कि जब हम मैं किसी भी कंपनी को पूछता हूँ आपका प्रोडक्शन का साइकिल टाइम क्या है, वो सिंपली निकाल देते हैं मुझे कि कितना प्रोडक्ट बना है और कितना उनका टाइम लगा. और जो वो कर सकते हैं वो है कि जो लंच टाइम टी टाइम उसको निकल देंगे, और अगर ब्रेकडाउन टाइम है उसको निकल देंगे और डिवाइड करके बता देंगे. बट दैट इज डेफिनेटली नॉट योर एक्चुअल साइकिल टाइम. सो रियल टाइम मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. उसके लिए टाइम देना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्टैंड देयर ऑन द शॉप एंड यू हैव टू कंपेयर दैट विद द टैक टाइम. टैक टाइम कैसे निकलना है ये मैं और डिस्कस नहीं करूंगा. बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे. फॉर ईच ऑपरेटर आइडेंटिफाई द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. हर वर्क स्टेशन में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को ऑब्जर्व कीजिए, कितना टाइम लगा, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसको भी आप आइडेंटिफाई कीजिए. सर्चिंग, अनपैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह. डी, कम आउट विद द मेथोडोलॉजी टू एलिमिनेट द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. इसमें बहुत सारे तरीका है. आप नॉन वैल्यू एडेड जो अननेसेसरी नेसेसरी है, जो अननेसेसरी है उसके ऊपर ही हम पहले ध्यान देंगे. एंड फाइंड नंबर ऑफ ऑपरेटर्स नीडेड टू मीट द टैक टाइम बेस्ड ऑन द टोटल ऑपरेशन टाइम. जो आपने देखा है वो कैसे करना है. जो बचा हुआ जो टाइम है, जो नॉन वैल्यू एडेड टाइम है प्लस नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड टाइम है उसको हम जोड़ देते हैं. जोड़ने के बाद हम लोग टैक टाइम से उसको डिवाइड करते हैं. तो मानिए कि टोटल टाइम हुआ है अभी सारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट करने के बाद 100 मिनट हुआ.
और आपका टैग टाइम है 10 मिनट. सो दैट मीन्स दैट 100/10 यानी यू रिक्वायर 10 मैन पावर इफ इट इज ए मैनुअल मैन रिलेटेड ऑपरेशन. ठीक है. सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स नीडेड टू मीट द टैग टाइम बेस्ड ऑन द टोटल ऑपरेशन टाइम. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड अमंग द ऑपरेटर. ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यू कैनॉट एलोकेट द वर्क जस्ट लाइक दैट. उसका उसके साथ जुड़े हुए स्किल है, उसके साथ जुड़े हुए सीक्वेंस है, तो इसमें बहुत आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी किसके साथ आप लोग शेयर कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो. सो इसीलिए यू शेप का बहुत जरूरी है क्योंकि यू शेप में बिना कोई टाइम वेस्टेज एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर के साथ मतलब वो प्रोडक्ट जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. एक ऑपरेटर एक सब असेंबली या तो सब पार्ट को एक्सेस करते हैं कर सकते हैं आराम से और इसको कंप्लीट करके फिर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अक्रॉस द टेबल. इट इज एब्सोल्युटली सेम. सो वैलिडेशन ऑफ अरेंजमेंट, वर्क सीक्वेंसिंग इंप्रूवमेंट एटसेट्रा, फाइनलाइज द वर्क सेल डिजाइन. सो ऐसा हो सकता है कि फाइनली यू विल बी लेफ्ट आउट विद वेरी फ्यू ऑपरेटर एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉन्वेयर और एनीथिंग लाइक दैट. द होल थिंग कैन बी मैनेज जस्ट बाय यू नो पासिंग द ट्रे ऑफ वन पीस, सब असेंबली ऑफ वन पीस फ्रॉम वन ऑपरेटर टू अनदर ऑपरेटर. तो उसीलिए मैं पहले दिन से आपको बोल रहा था कि कभी भी शॉप फ्लोर में स्पेस को परमानेंटली ब्लॉक मत कीजिए कॉन्वेयर से और हैवी इक्विपमेंट की जरूरत मत रखिए. ट्रॉली बेस्ड कीजिए, व्हील बेस्ड कीजिए, सिंपल ट्रे कीजिए और उसमें भी मूवमेंट के लिए परमानेंट लाइन फिक्स मत कीजिए. बिकॉज लीन ऑर्गेनाइजेशन आर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. आप हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, जो अपॉर्चुनिटी आपको इंप्रूवमेंट करेगा बॉटम लाइन के ऊपर, एफिशिएंसी बढ़ाएगा. सो दैट कैन हैपन एक्चुअली मंथ आफ्टर मंथ. सो इट इज नॉट ए फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है. फाइनली फिजिकल एलिमिनेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अरेंजमेंट. दिस इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी टूल. जैसे आपने देखा जो फिल्म में आपने आपको दिखाया गया वो काफी एडवांस था एक्चुअली. उसमें देखा आपने एक टूल बनाया, उन लोग फिक्सचर बनाया, क्लीन क्लियर काउंट्री का ट्रे बनाया, लेआउट्स, फीडिंग अरेंजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फीडिंग अरेंजमेंट काफी टाइम फीडिंग अरेंजमेंट होता है ऑपरेटर के सामने से और वो नीचे सामने डाला जाता है या तो ग्रेविटी ड्रॉप से भी ऑपरेटर के बिल्कुल हैंड रीच के अंदर वो मिलता है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ग्रेविटी ड्रॉप्स एटसेट्रा. मेक द अरेंजमेंट्स एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एनी फ्यूचर चेंजेस. तो जैसे मानी कि ये जो वर्क सेल डिजाइन है, दिस वर्क सेल डिजाइन ऑल्सो केम आफ्टर लॉट ऑफ आइटरेशन. तो इधर आप देख रहे हो कि कैसे ये एक एग्जांपल आप शायद यूट्यूब में भी मिलेगा आपको. ताइवान का एक एग्जांपल है जिसको कहते हैं चाकू चाकू लाइन, CHAKU चाकू चाकू लाइन. पहले जो 9 ऑपरेटर मिलके बनाते थे उससे 2 ऑपरेटर, और एक केस है जहां पर सिर्फ अकेला एक ऑपरेटर 9 मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं बिना कोई प्रॉब्लम. जस्ट इनपुट आउटपुट कई केस में डायरेक्ट ऑटोमेटिक इनपुट हो रहा है. शी इज जस्ट ऑब्जर्विंग, ए लेडी इज वॉचिंग ओवर द एंटायर चाकू चाकू लाइन. तो इसमें आने के लिए मुझे याद है कि हम लोग जब सुंदरम ब्रेक लाइनिंग में प्रोफेसर सूडा आया करते थे तो प्रोफेसर सूडा हमें ये सिखाए थे कि पहला बार जब एक लाइन को दिखा गया था उधर कुछ 5 लोग काम करते थे तो उन्होंने सिर्फ देखा और देखने के बाद बोला कि आप और भी एनालिसिस करो. तो उन लोग बहुत एंग्जियसली नेक्स्ट बार जब प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर देखा कि हाँ उन लोग 5 से 4 किया. तो उन्होंने देखा, देखने के बाद बोला कि और भी एनालिसिस करो. तो फाइनली द एंटायर लाइन केम डाउन टू ओनली 2 ऑपरेटर्स एंड विद अ मच रिड्यूस्ड थ्रूपुट टाइम. तो ये बताता है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहता है. यू नीड टू बी एनालिटिकल. आपका वो आंख खुलना चाहिए जिसके दौरान आप वेस्ट को देख सकते हो. So that is why these lean tools are very important.